राधे श्याम सीताराम और सीताराम कहिए जय विधि कहिए जय विधि कहिए श्याम सीताराम सीताराम कहिए जय विधि कहिए। जितना दिया है हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। राधे श्याम सीताराम सीताराम विधि को विधान जाने हानि लाभ सही है। और रही बात जिसने मारा है उसी दुनिया में रहने का अधिकार लेना। जाकर के जो है अर्जुन को साथ लिया सुसामा को पकड़ के लाए हैं। जवाब दिया है बहन द्रौपदी यही वो नीच है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, क्या करें इसके साथ। भीम ने गदा उठाई, जवाब दिया अरे चंडाल यार तेरी इतनी हिम्मत, वाह बच्चों को मार के बलवान हो गया, जय जय अब तेरा मेरा मुकाबला होगा। वाह नीच कमान तान फिर से देखे ताना बाना तेरा, और बिस्तरा बाद इस दुनिया से उठ गया नीच खाना तेरा। बोल क्या करे, दोनों हाथ जोड़े हैं, जवाब दिया है महाराज आप हमें मार देंगे तो ये न्याय होगा, अगर छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी दया हो जाएगी हमारे ऊपर। मैया द्रौपदी का कलेजा पिघल गया, जवाब दिया छोड़ दीजिए, ब्राह्मण है गुरु का पुत्र है फिर अपने किए पर शर्मिंदा है, इसको छोड़ दीजिए। भगवान बोले जिसने तुम्हारे पांच पुत्रों को मारा उसके लिए तुम्हारे हृदय में इतनी बड़ी दया, धन्य बहन द्रौपदी तुम्हें। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा बहन तुम्हारा नाम रहेगा, धरणी करणी है थमी भाई तुमसी सुशील अबलास है, बलिवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी ही महिलाओं से।
याद रहे। जवाब दिया श्री सूत जी ने, हे महात्मा जवाब दिया इसको छोड़ दीजिए। भगवान कन्हैया कहने लगे, भीम ऐसे मत छोड़ो, इसके मस्तिष्क को चीरो और इसके मस्तिष्क में जो मणि है उस मणि को निकाल लो। मस्तिष्क को चीरा, मणि को निकाल लिया। ये बात अच्छी नहीं लगी अश्वत्थामा को कि मेरा अपमान कर दिया। अपने धनुष पर ब्रह्मशिर बाण को चढ़ाया, छोड़ दिया। जो बाण अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जो अर्जुन की पुत्र वधू है, उनके गर्भ को जलाने लगा। तो उत्तरा जब भगवान का नाम लेकर रोई तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और देवी उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक विद्वान ये कहता है कि भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और गर्भ में प्रवेश कर गए तब गर्भ की रक्षा की। दूसरा ये कहता है कि कन्हैया ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया जिससे गर्भ की रक्षा की है। तो बंधुओं, न भगवान कभी गर्भ में आते हैं और न कभी गर्भ में जाते हैं, प्रभु की लीला है। और मैं सच कहूंगा, भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है, भजन प्यारा है, भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है, कहते ही मुझे भक्त भजन प्यारा है, राम कहते मुझे भक्त भजन प्यारा है, राम कहते मुझे भक्त भजन प्यारा है। भक्त कहता है घर द्वार छोड़ा तुम पर, घर द्वार छोड़ा तुम पर, प्रभु कहते ही मैंने स्वर्ग को बिछाया है, स्वर्ग को बिछाया है, प्रभु कहते मैंने स्वर्ग को बिछाया है। भैया ओते आए भगवान भक्त के बस में, होते आए भगवान भक्त के बस में, होते सूत जी ने समझाया है। महात्मा, एक बार की बात है, जब अर्जुन राजा बासुक से मिलने के लिए गए हैं तो राजा बासुक ने बड़ा सम्मान किया, बिठाया, जलपान कराया। जवाब दिया, महाराज काफी दिनों के बाद आए, बोले फुर्सत नहीं मिली, आज समय मिला तो मिलने चले आए, बहुत अच्छा किया, आपके आने से हमारा हृदय गदगद हो गया, क्यों ना सभा के बीच कोई खेल खेला जाए। कौन सा? जुआ? नहीं, जुआ नहीं खेलूंगा,
जुआ खेलना पाप होता है। और परीक्षित महाराज हकीकत भी है, एक जुआ खेलना है, एक झूठ बोलना, एक ब्याज लेना। जय जय। आपने तो देखा ही होगा कि आप हमारे बुजुर्ग हो, पंडाल में बुजुर्ग बैठे हैं, जिनने जिनने ब्याज लो उनको सत्यानाश हुई हो, क्योंकि हमसे ज्यादा तो समय आपने देखा है, हमसे ज्यादा दुनिया आपने देखी है, कि जिन्होंने जिन्होंने ब्याज खाया है, ब्याज लिया है, उनका सर्वनाश हो गया। अच्छा परीक्षित महाराज, ब्याज पर पैसा लेता कौन है हमें बताइए? जो परेशान होगा, दुखी होगा, वही व्यक्ति ब्याज पर पैसा लेता है। बेचारा पैसे का पैसा दे, वो तो लिया है, देना ही है, ब्याज और दे। अगर परीक्षित महाराज हमने आपसे पैसा ब्याज पर लिया है, मैं परेशानी में हूँ इसलिए लिया है, मजे में कोई पैसा नहीं लेता ब्याज पर, मेरे ऊपर परेशानी है, कष्ट है, इसीलिए हमने पैसा आपसे लिया है, तो जब मैं उसका, मैंने 50,000 लिया, 20,000 ब्याज हो गया उसका, जब हम आपको वो पैसा वापस करेंगे तो आपके लिए हमारी आत्मा से कोई अच्छी बात नहीं निकलेगी। मेरे बेशक आपने हमारी मदद की है, लेकिन मेरी आत्मा से आपके लिए अच्छी बात नहीं निकलेगी, और इसलिए ब्याज खाने वाले बर्बाद हो जाते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। कहूं तो बच्चन पे परत है, कहूं खुद के ऊपर परत है। हमने निरे ऐसे देखे ब्याज खाने वाले, उनके औलादी नहीं भगवान ने दी, और निरे हमने ऐसे देखे ब्याज खाने वाले जिनके हाथ में सब टूटी है, खटिया डरे है, उन्हें शर्म ही ना आए। तो निरे ब्याज खाने वाले हमने देखे, भगवान ने उन्हें बिटिया बिटिया दे दी, लगू नहीं दो। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भगवान बेटियां केवल नसीब वालों को देता है, हर किसी के नसीब में बेटियां नहीं है। जय जय। लेकिन ये ब्याज खाने वालों की बात अगर करें तो भगवान उन्हें कोई न कोई ऐसा कष्ट दे देता है कि वो सारी जिंदगी उसकी भरपाई करते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को। हाँ, मदद करनी है, मदद कर दीजिए भाई, दे देगा महीना दो महीना चार महीना बाद बेचारा वैसे भी दे देगा, लेकिन ये ब्याज शब्द ही परीक्षित महाराज खराब है। और आपने देखा होगा कि ब्याज लेने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। याद रहे तो बोले हमने जुआ खेलेंगे, जुआ खेलना अपराध होता है, तो बोले हमने ये कब का एक धन दौलत दाई पर लगा, जो होए तुम्हारी राजी तो लगा लो गर्भ की बाजी, मतलब तुम्हारी पुत्र वधु उत्तरा गर्भवती है, मेरी पत्नी गर्भवती है, आपके आंगन में बेटी जन्म ले, मेरे आंगन में बेटा जन्म ले, आप अपनी लड़की की शादी हमारे लड़के से कर देना, और अगर हमारे आंगन में बिटिया जन्म ले, तुम्हारे आंगन में लहुआ जन्म लो, तो हम अपनी लड़की की शादी कर देंगे। बोले ये तो बात ठीक है, पासे मंगवाओ। बोले पहले पासे कौन फेंकेगा? बोले आप। तो अर्जुन ने वो पासे हाथ में लिए, किले पासे पंडस अरे सुमिरि गंदेश धरने पैदारे, आए बगे पूरे बारा परी रहे लेके बड़े यार मतवारे। पासे बासिकनाथ सुमिरि रघुनाथ धरनि पैदारे, ले
आसे पास कनाथ सुमिर रघुनाथ धरन पैदारे धरन पैदारे खोटे परिये तीन ही सुहारे खोटे आये तीन ही सुहारे लला हुई आई तेरी जाई रही आ? और तेरी जाई रही उम्र नहीं जाने पाई कैसी हुई आई याद रहे लोगो ले पासे पंडेश सुमिर गणेश धरन पे डारे पूरे बारह पड़े